हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और मैंने एक वीडियो बनाया है इस ऐप के बारे में, इलेक्ट्रोडक ऐप के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस ऐप से कैसे हम लोग चेक करेंगे रजिस्टर को, जिसमें अगर आपको वैल्यू पता करना है कि इस रजिस्टेंस का कितना वैल्यू है, या फिर एक SMD रजिस्टेंस। देखिए, इसमें SMD रजिस्टर लगा हुआ है बहुत सारा, है ना। इस तरह से और भी किट में SMD रजिस्टर लगा हुआ रहता है, जो कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने ओम्स का है वो रजिस्टर। तो उसके लिए हम लोग इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग चेक करते हैं कलर कोड वाले, ठीक है। देखिए, रजिस्टर कलर कोड, इसमें गए हम लोग। इसमें देखिए, इसमें 5, 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 है बैंड। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं 3 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी 4 बैंड में ये किया हुआ है। तो ये देखिए, मेरे पास पहले से जो है रजिस्टर रखा हुआ है, जो कि पहले से नाम लिखा हुआ कितने नंबर का है, ये कितने ओम्स का है, कितना मेगा ओम्स का, कितना के का है, वो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमको पता है जब कि 6K8, मतलब 6.8 के का है ये। तो इसमें जो कलर कोड हम लोग पहले देखेंगे कौन सा कलर है इसमें, देखिए ना। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है ब्लू, और अगर सामने से देखेंगे हम लोग इसमें ग्रे दिखेगा आपको, ग्रे और रेड है। देखिए, इसमें आ गया ना 6.8 के आ गया, इसमें देखिए 6.8 के है। और अगर लास्ट में जो देखेंगे वैल्यू, वो है आपका गोल्डन। तो इसमें हम लोग गोल्डन कर देंगे। तो 5% का इसमें, मतलब कि 5% इसमें इम्प्योरिटी है, ऊपर नीचे हो जाता है, उसको हम लोग इम्प्योरिटी देखते हैं इसमें। देखिए, जैसे कि गोल्डन और सिल्वर से इम्प्योरिटी चेक किया जाता है, ठीक है। तो 5% प्लस माइनस लिखा हुआ ना, तो वो इम्प्योरिटी है। तो इसमें देखिए 6.8 के हम लोग इसको देख लिए, पता चल गया 6.8 के। मान लीजिए ये खराब हो जाता, जला हुआ रहता, किसी जगह पर लगा हुआ रहता ये, और ये जला हुआ रहता, तो इसको हम लोग चेक नहीं कर पाते अगर मल्टीमीटर से। तो ये कलर कोड को देख के कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग के लिए ये जो ऐप है, इससे हम लोग इससे चेक करना आसान हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कोई कोड को, कलर कोड को। देखिए 330K, इसमें देखिए 330K का है ये। तो इसके हम लोग लास्ट देखेंगे, देखिए गोल्डन इस साइड है ना, तो इस साइड वाला से नहीं लेंगे, इस साइड से लेंगे। देखिए ये है ना रेड है, नहीं है ऑरेंज है। तो हम लोग इसको ऑरेंज फिर येल्लो है, अगर सामने से आपको दिख रहा होगा इसमें, देखिए येल्लो है, येल्लो ये ऑरेंज फिर येल्लो है ना, ऑरेंज येल्लो 330K। देखिए 330K लिखा हुआ है इसमें भी है, देखिए 330K इसमें भी है। इसमें लिखा हुआ इसलिए आप समझ जा रहे हैं कि 330K है, लेकिन नहीं रहता तो कैसे पता करते। इसी ऐप से हम लोग पता कर सकते थे, अगर मल्टीमीटर से चेक नहीं हो पा रहा है, वो उड़ गया। तो अभी और भी मैं दिखा देता हूँ आपको, एक और करके कोई भी लेते हैं, है ना। ये देखिए 22K का है, ठीक है 22K। इसके कोड को अगर आप देखेंगे, मतलब कलर कोड को, तो इसमें जो है, इसमें पहले है रेड, ठीक है, उसके बाद है फिर से रेड है, और उसके बाद है ऑरेंज। देखिए 22K आ गया, 22K, लास्ट में गोल्डन है। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको आसानी से चेक कर ले रहे हैं। अब हम लोग चेक करेंगे SMD रजिस्टर को। ये देखिए, इसमें SMD रजिस्टर लगा हुआ है, आपको फोकस नहीं हो पा रहा होगा शायद। देखिए इसमें लिखा हुआ है SMD रजिस्टर में, देखिए बहुत सारा वैल्यू लिखा हुआ है ना SMD रजिस्टर में वैल्यू। तो इसको हम लोग बैक करते हैं और जाते हैं SMD रजिस्टर वाले सेक्शन में, है ना। अब देखिए इसमें जो है कितने कितने नंबर का लगा हुआ है, मान के चलते हैं हम लोग। आप देखे होंगे अगर आप काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के, तो आपको पता होगा कि कितना, मतलब कि इसमें कोड लिखा हुआ रहता है इस तरह से नंबर। तो देखिए इसमें जो है 183, एक में देखिए यहाँ 183 लिखा हुआ, तो हम लोग इसमें 183 लिखेंगे, ठीक है। नंबर करते हैं 183 लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 18K का है, अगर इसको हम जला हुआ रहता है ये, ठीक है, और तो हम लोग पता नहीं चलता कितने नंबर का है। अगर ये नंबर दिखता है तो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते थे कितने नंबर का ये है, ठीक है। तो 183 मतलब 18K का, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी है 334 है सिर्फ, है ना 334 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 330 किलो ओम्स का है। अगर मान लीजिए ये हम लोग को दिख जा रहा है या उड़ा हुआ, ठीक है, तो हम लोग इसमें से 330 किलो ओम्स वाला, देखिए रजिस्टर है ये वाला, इस SMD रजिस्टर की जगह पर लगा सकते हैं अगर हम लोग को रिपेयर करना है कुछ तो, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं। आप भी देख लीजिएगा, इस ऐप में बहुत सारे चीज़ दिया हुआ है जो कि आपको यूज़फुल है।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको कुछ समझ में आ रहा है, मतलब कि सीखने को मिल रहा है, तो हमारे वीडियोस को लाइक करें। और भी वीडियोस मैंने बनाया है वो देखें आप, ठीक है। और आपका कोई दोस्त है जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल काम करता है, उसको भी शेयर करें इस वीडियो को, उसको उसे भी जानकारी होगी कि इस तरह का कोई ऐप है जिससे काम करने में आसानी होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।